उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए मतदान शनिवार को है। इस चरण में प्रदेश की 13 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सामने पूर्वांचल फतह करने का लक्ष्य है। अंतिम चरण में पीएम नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी भी आती है। इसके अलावा मोदी सरकार के 3 केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य भी इसी चरण में दांव पर लगा है। 7वें और अंतिम चरण के दौरान मोदी कैबिनेट के 3 मंत्रियों के भाग्य का फैसला होगा, जिसमें चंदौली लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वर्तमान सांसद डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे चंदौली से दावा ठोक रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस की प्रमुख और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल भी चुनावी मैदान में हैं। वो वर्तमान में मिर्जापुर सीट से सांसद हैं और फिर इसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों के अलावा बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी चुनावी मैदान में हैं और यूपी की महाराजगंज सीट से सांसद हैं और फिर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर जीत तय मानी जा रही है। हालांकि जीत का मार्जिन कितना होगा इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वाराणसी के अलावा 3 सीटें चंदौली, मिर्जापुर और महाराजगंज में लड़ाई जबरदस्त होने की संभावना है। बीते लोकसभा चुनाव की बात करें तो चंदौली सीट पर महेंद्रनाथ पांडे केवल 13,959 वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए थे, यानी विपक्षी से उन्हें जबरदस्त चुनौती मिली थी। इस बार भी चंदौली में बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मिर्जापुर में अनुप्रिया की साख दांव पर है। जिले में उनके खिलाफ वोटर्स में थोड़ी नाराजगी तो है ही, लेकिन राजा भैया पर बयानबाजी कर उन्होंने खुद को और ज्यादा मुश्किल में डाल लिया। उनके बयान के बाद मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनुप्रिया का खुलकर विरोध किया और सपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी किया, यानी मिर्जापुर सीट भी बीजेपी के लिए फंसी नजर आती है। वहीं महाराजगंज सीट पर लड़ाई चौधरी बनाम चौधरी की है, लेकिन बीते परिणामों को देखें तो पंकज चौधरी का दबदबा रहा है। जिनके सामने 5 बार विधायकी का चुनाव हार चुके, 6ठी बार विधायक बने कांग्रेस के वीरेंद्र चौधरी हैं, जिनके आने से चौधरी बिरादरी के वोट में बिखराव संभव है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी लग रहा है। बता दें कि अंतिम चरण के दौरान यूपी के महाराजगंज, गोरखपुर, वाराणसी, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, घोसी, गाजीपुर, बांसगांव, सलेमपुर, चंदौली, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर वोट डाले जाएंगे। अब तक बीते 6 चरणों के दौरान राज्य की 67 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।